चिपक गई। रीत ने भी अपना एक हाथ उसके ऊपर रखा। सुहानी फिर से धीरे धीरे गहरी नींद में सो गई। रीत भी सारी रात ऐसे ही करके उसके साथ लेटी रही। पर्पल लव प्रेजेंट्स स्टोरी तेरी होने लगी हूँ एपिसोड 5। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रीत सुहानी को अपने कार से लेके जाने लगती है। तभी रास्ते में उसके डैड का फोन आता है और रीत उसके डैड का कॉल पिक करती है। अब जानते हैं आगे की स्टोरी। बदली हुई आवाज सुनकर सुहानी के पापा कहते हैं, बेटा तू ठीक है ना, और तेरी आवाज को क्या हुआ? तब रीत जवाब देती है, नमस्ते अंकल, मैं रीत बोल रही हूँ, उसकी बॉस कहने से पहले रीत रुक जाती है, फिर बात को पलटते हुए कहती है, उसकी दोस्त बोल रही हूँ मैं। रीत ने सोचा कि वो उसके पापा से घर का एड्रेस मांग ले ताकि वो उसे ड्रॉप कर सके, लेकिन इससे पहले ही उसके पापा कहने लगे, अच्छा हुआ बेटा आप उसके साथ हो, कभी घर से दूर नहीं रही है ना, ऊपर से नया शहर नई जगह और तबीयत भी नहीं ठीक है, पता नहीं सही से खाना खा भी रही है या नहीं। वैसे सुहानी कहाँ है? उनकी बातों से रीत समझ गई थी कि सुहानी की फैमिली कहीं और रहती है। इस शहर में वो अकेले ही रह रही थी और आज जो भी हुआ अगर वो सब रीत उसके पापा को बताती तो हो सकता है कि वो ज्यादा पैनिक करते। इसलिए रीत ने उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और उन्हें जवाब दिया, अंकल आज ऑफिस में काफी ज्यादा काम था सो वो थक के सो गई है, और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं उसे टाइम पर दवाई भी दे दूंगी। तब उसके पापा ने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तब रीत ने कहा, अरे अंकल धन्यवाद की क्या बात है, आप परेशान ना होइए, जैसे ही वो उठती है मैं कह दूंगी कि वो आपको कॉल कर ले। इतना कहकर वो कॉल रख देती है। फिर रीत सुहानी के चेहरे की तरफ देखती है। रीत को समझ आ रहा था कि क्यों सुहानी आज इतनी इरिटेटेड थी, और उसे बुरा भी लग रहा था कि वो बार बार उसके काम को रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा वो जान के नहीं कर रही थी। वो मनी मन सोचती है कि उसे इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए था। सुहानी अब भी गुमसुम सी बाहर ही देख रही थी। रीत ने आगे की ओर झुककर उसका चेहरा देखा तो सुहानी की आंखें बंद थी, वो बेचारी थककर कार में ही सो गई थी। सुहानी का इस शहर में कोई और था नहीं और इस वक्त उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए रीत उसे अपने साथ घर ले जाती है। एक बड़े से बंगलों के सामने रीत अपनी कार पार्क करती है और कार से उतरकर सुहानी को धीरे से जगाती है। सुहानी सुहानी उठो, चलो हम घर आ गए हैं, चलो रूम में चल के आराम से सोना। सुहानी धीरे से आंखें खोलती है और रीत का हाथ थाम के कार से उतरती है और धीरे धीरे उस बंगलों के अंदर जाती है। रीत का घर में इंतजार करने वाला कोई भी नहीं था। उसकी सौतेली माँ और बहन डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते। उसके पापा का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी शराब के नशे में होते तो कभी टीवी देख रहे होते, नौकर चाकर खाना बना के चले जाते। रीत आके खुद अपना खाना गरम करती फिर खाती। रीत कब घर आ रही है कब जा रही है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीत सुहानी को लेके अपने रूम में जाती है और उसे बेड पे बैठाती है। रीत वार्डरोब से नाइट सूट निकालकर सुहानी को देते हुए कहती है, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। सुहानी की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन था और अब तो कई जगह नीले निशान भी दिखने लगे थे। सुहानी में जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी कुछ भी करने की। रीत चेंज करके आई तो देखा सुहानी वैसी ही बैठी है। रीत ने फिर से कहा, सुहानी प्लीज चेंज कर लो और कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी, उसे खा के फिर आराम से सो जाना। इतना कहकर रीत किचन में खाना लेने चली गई। कुछ सोचने के बाद उसने सुहानी के लिए सूप बनाया और अपना डिनर भी लेके अपने कमरे में आ गई। सुहानी तब भी वैसी की वैसी ही बैठी थी। रीत ने खाना टेबल पे रखा और कहा, अभी तक चेंज नहीं किया, देखो मैं गर्म गर्म सूप लाई हूँ, जल्दी से पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। रीत सुहानी की हालत अच्छे से समझ रही थी और समझ चुकी थी सुहानी इस वक्त कुछ भी सोचने या समझने के हालत में नहीं है, वो जैसे जिंदा लाश बन गई हो। रीत ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और धीरे धीरे सुहानी के पास गई।
फिर सुहानी का हाथ थाम के उसे खड़ा किया, फिर अपना एक हाथ सुहानी के बैग पे रखा और दूसरे हाथ से सुहानी के शर्ट की बटन एक एक करके खोलने लगी और धीरे से उसकी शर्ट उतार दी। सुहानी को संभालते हुए रीत ने बेड के साइड में रखी नाइट सूट को एक हाथ से उठाया और सुहानी को पहना दिया। कपड़े चेंज करने के बाद रीत ने लाइट्स ऑन कर दी, फिर एक बॉल में गुनगुना पानी लाकर सुहानी का हैंड एंड फेस क्लीन किया। सुहानी रीत को देख भी नहीं रही थी, उसकी नजरें कहीं और ही थी। वो एक ही जगह एक टक देखी जा रही थी। ऑफिस से लेकर घर तक सुहानी ने एक भी शब्द नहीं बोला था। रीत सुहानी को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। रीत सूप का बोल लेके सुहानी के सामने बैठ गई और जैसे ही स्पून में सूप लेकर सुहानी के मुंह के पास लेके गई, सुहानी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया। इस बार रीत ने कुछ कहा नहीं, बल्कि ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया और अपने एक हाथ से सुहानी का चेहरा अपनी ओर किया और फिर कहा, बस थोड़ा सा सूप पी लो। इतना बोलकर वो उसे सूप पिलाने लगी। 5-6 चम्मच सूप पीने के बाद सुहानी ने फिर से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। रीत समझ गई और इस बार रीत ने भी जिद नहीं करी। रीत ने उठ के उसका मुंह साफ किया और उसे मेडिसिन दे के धीरे से बेड पे लिटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। रीत भी बेड के दूसरी साइड जाके लेट गई। कुछ देर बाद सुहानी फिर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुन रीत की भी आंखें खुल गईं और उसने देखा सुहानी नींद में कुछ बोली जा रही है और रोती जा रही है। रीत धीरे से उसके पास गई और उसके सर पे हाथ रख के कहा, सुहानी रिलैक्स हो जाओ, तुम सेफ जगह पे हो। तभी सुहानी रीत की तरफ मुड़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया और नींद में ही कहने लगी, प्लीज मुझे बचा लो। इतना कहकर वो रीत के बिल्कुल नज़दीक आ गई और उसके सीने से चिपक गई। रीत ने भी अपना एक हाथ उसके ऊपर रखा। सुहानी फिर से धीरे धीरे गहरी नींद में सो गई। रीत भी सारी रात ऐसे ही करके उसके साथ लेटी रही। अगली सुबह जैसे ही रीत की आंखें खुली, उसे सुहानी का चेहरा नजर आया। सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। रीत धीरे से उठ के बाथरूम में चली गई। उसके कुछ देर बाद ही सुहानी की भी नींद टूटी। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो वो सोच में पड़ गई। ये किसका घर है और मैं कहाँ हूँ? फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और खुद से ही कहने लगी, मेरे कपड़े किसने बदले? उसने बेड से एक झटके में उठने की कोशिश करी, लेकिन पूरी बॉडी में पेन होने की वजह से उठ नहीं पाई। उसकी बॉडी में कई जगह नीले निशान पड़ गए थे। वो कुछ समझ पाती तभी उसने गौर किया कि बाथरूम से किसी के नहाने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही उसे आहट हुई कि वो इंसान बाथरूम से बाहर आ रहा है, सुहानी जैसे तैसे करके खुद को संभालती हुई बेड से उतरी और साइड में रखे फ्लावर वॉस लेकर बाथरूम के दरवाजे के साइड में खड़ी हो गई। रीत ने बाथरूम का डोर ओपन कर अपना एक पैर बाहर ही रखा था कि तभी सुहानी ने फ्लावर वॉस उसके सर पर मार दिया। रीत एकदम से चीख उठी। उसके पैर गीले होने की वजह से वो स्लिप होकर नीचे भी गिर गई। उसने सुहानी से कहा, आउच, ये क्या कर रही हो तुम? जैसे ही सुहानी ने रीत को देखा तो उसके हाथ से वॉस नीचे गिर गया और उसने कहा, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब रीत ने जवाब दिया, वेरी गुड, एक तो तुम मेरे ही घर पर मुझ पे अटैक करती हो और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इतना कहती हुई रीत खड़ी हो गई। रीत ने ब्लू कलर का बाथ गाउन पहना था। रीत को लगा था सुहानी सो रही है, इसलिए वो अपने कपड़े लेने बाहर आई थी, लेकिन उसके साथ तो कुछ और ही हो गया। रीत को ऐसे देख सुहानी ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी ओर मुड़ के बोलने लगी, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप हैं, मुझे लगा। तभी रीत ने खुद को गाउन से अच्छे से कवर करते हुए कहा, इट्स ओके, तुम प्लीज बैठो, मैं अभी आई। इतना बोलकर रीत अपने कपड़े लेके चेंज करने चली गई।
कल रात रीत की दी हुई मेडिसिन से सुहानी का फीवर तो जा चुका था, लेकिन उसको बॉडी एक जरूर था। तभी रीत वापस आई और कहा, वैसे अभी कैसा फील कर रही हो तुम? सुहानी ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बस बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ आपके साथ। तभी रीत ने सुहानी की तरफ सरप्राइजिंगली देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? पिछली रात जो भी सुहानी के साथ हुआ था, क्या सुहानी उसे भूल चुकी है? और अब रीत क्या करेगी? क्या वो सुहानी को पिछले रात वाली सारी बात बताएगी, या फिर वो कोई और बहाना बनाएगी? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सुनने जरूर आइएगा। हाँ।